भाई क्या वही विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे फिर से वही तीन दोस्तों चार दोस्तों की कहानियाँ, शॉर्ट ड्रेसेस, पार्टियाँ, गाली गलौज। हाँ, वीरे दी वेडिंग और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी खतरनाक मूवीज के बाद अब आ रही है क्रू। सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? सोना 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 क्रू में आपको दिखेंगी करीना कपूर, तब्बू और प्रीति सेनन। दो लोगों का तो नहीं पता लेकिन तब्बू से मुझे थोड़ी उम्मीद है, इसलिए मैं इस ट्रेलर का रिव्यू भी कर रही हूँ। तो भाई पहली बात तो क्रू का ट्रेलर आज आ गया। ट्रेलर इतना लंबा है, इतना लंबा ट्रेलर है, ऐसा लग रहा है पूरी कहानी ट्रेलर में बता देंगे। अरे बस कर भाई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कमेंट्स में भी वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी कहानी तो बॉलीवुड वाले ट्रेलर में बता देते हैं। तो मतलब ट्रेलर से जितना समझ आया वो ये है कि ये तीन एयर होस्टेसेस हैं जो किसी तो एयरलाइन में काम करती हैं। वो जो एयरलाइन है वो बैंकक्रप्ट होने वाली है, ऐसे नहीं ट्रेलर के मिडिल में कहीं पता चलेगा। और ये जो तीनों हैं ये थोड़ी मतलब ऐसे यू नो ओल्ड एंड बैड काइंड ऑफ गर्ल्स दिखाई हैं जो अपनी नौकरी से बहुत परेशान है। मतलब इन्हें सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है, प्लस इन्हें बोनस वोनस भी नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी सी मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। वो तो आप और मैं रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा जो इस मूवी में रिलेट हम कर पाएंगे। तीन दोस्तों की कहानी है, अच्छा खासा इनकी नौकरी चल रही होती है, इन्हें बीच में कहीं कुछ पता लगता है कि इनकी कंपनी में शायद, इतना मुझे ट्रेलर से समझ आया कि शायद इनके जो एयरलाइन वाले हैं वो वैसे तो बैंकक्रप्ट दिखाते हैं लेकिन वो कुछ तो सोने वोने की स्मगलिंग का धंधा टाइप ऐसा कुछ करते हैं। और ये तीनों उसको पकड़वाने की बजाय उसी में शामिल हो जाएंगी और फिर पूरी मूवी इसी पे है कि कहीं ये खुद ना पकड़ी जाए। सोने के बिस्किट छुपा रखे हैं, ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया है। बाकी इन तीनों के अलावा यानी कि तब्बू, करीना और कृति सेनन के अलावा मूवी में दिलजीत दोसांझ है फॉर मेल फैक्टर एंड कपिल शर्मा भी है जो शायद से तब्बू के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बने होंगे। दिलजीत दोसांझ एयरपोर्ट पे ही ग्राउंड स्टाफ में जो कस्टम ऑफिसर होता है आई गेस वो बने हैं, तो उससे बचते भी रहते हैं, उसे फंसाने की भी कोशिश करेंगे तीनों में से कोई अपने प्यार में। तो ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बाकी यार मुझे ऐसा लगता है ना कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो जा रहा है। वही तीन चार दोस्त होंगे, वही वो पार्टीज कर रहे होंगे, वही उनकी बोल्ड ड्रेसेस होंगी। मतलब ठीक है अपनी चॉइस है, जो कोई कुछ पहनना चाहता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है सब मूवीज में। तो क्रू में पता नहीं कैसा होगा कैसे नहीं होगा। बाकी एकता कपूर की प्रोडक्शन में बन रही फिल्म है बालाजी टेलीफिल्म्स की, तो अब क्या ही उम्मीद करें। तो भाई बाकी तो जब मूवी थिएटर में आएगी तभी पता चलेगा कैसी है। तब्बू है तो मुझे लग रहा है थोड़ा देखी जा सकती है, जब आएगी तो उसका रिव्यू कर देंगे। बाकी ट्रेलर रिव्यू था, ट्रेलर जो है मुझे थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा, काफी लंबा ट्रेलर है और लिटरली ऐसे लग रहा है कि ट्रेलर में सब कुछ ही बता देंगे तो पिक्चर में बंदा देखेगा क्या। बाकी आप देखो ट्रेलर और आप बताओ आपको कैसा लगा और क्रू का आप कितना वेट कर रहे हो कितना नहीं कर रहे, ये बता देना।